नमस्कार, इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में 13 सितंबर 2022 रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में मैथ्स के ऊपर जो जो क्वेश्चन पूछा गया है उनमें से कुछ क्वेश्चन के ऊपर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि इसी टाइप को क्वेश्चन को समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि एक राइट ट्राइंगल का बाकी दो एंगल्स का रेशियो 4:1। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि सबसे बड़ा एंगल कितना होगा। देखिए, यहाँ पर राइट ट्राइंगल ऐसे होता है, ठीक है, ये होता है 90 डिग्री, ठीक है। बाकी दो एंगल का रेशियो यहाँ पर कितना 4:1, मतलब ये एंगल अगर 4 भाग है तो ये एंगल यहाँ पर 1 भाग है, ठीक है। हम सभी जानते हैं ट्रायंगल का तीनों एंगल्स मिलाकर यहाँ पर 180 डिग्री होता है। एक तो है 90 डिग्री, तो यहाँ पर 90 डिग्री अगर माइनस करेंगे तो बाकी रहेगा यहाँ पर 90 डिग्री, ठीक है। तो ये 90 डिग्री ये दोनों कोण मिला के, ठीक है। तो मतलब देखिए, ये दोनों कोण मिला के कितना भाग, यहाँ पर 4 यहाँ पर 1, मतलब यहाँ पर 4+1=5 भाग। यहाँ पर 90 डिग्री को हम 5 भाग में डिवाइड करेंगे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर 18 डिग्री हो जाएगा एक एक भाग, ठीक है। तो मतलब ये कोण जो है, ये कोण देखिए 1 भाग है, तो मतलब ये कोण हो जाएगा 18 डिग्री, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो मतलब ये 4 भाग का कोण कितना डिग्री हो जाएगा, ये 4 भाग का कोण 4×18 करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 72 डिग्री, ठीक है। मतलब यहाँ पर ग्रेटर एंगल हो जाएगा 72 डिग्री, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर तीसरा अनुपात क्या होगा, वही पूछा गया है क्वेश्चन में। तीसरा अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए तीसरा अनुपात निकालने के लिए एक ही शॉर्टकट फॉर्मूला है, क्या करना है, यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मतलब 0.64×9, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर 64 लिखेंगे, नीचे 100 लिख देंगे, मल्टीप्लाइड बाई 9, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर 64 का स्क्वायर रूट मतलब 8 होता है, 9 का स्क्वायर रूट मतलब 3 होता है, ठीक है, और नीचे 100 का स्क्वायर रूट मतलब 10 होता है। तो मतलब ऊपर हो जाएगा 24, नीचे हो जाएगा 10, मतलब यहाँ पर 2.4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है 1260 रुपीज और उसका कॉस्ट प्राइस है 1000 रुपीज। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। देखिए, यहाँ पर प्रॉफिट कितना है, पहले यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर लास्ट में 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर क्या करेंगे, 0 0 काट देंगे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर 126 रुपीज यहाँ पर सेलिंग प्राइस है, यहाँ पर 100 रुपीज है कॉस्ट प्राइस, ठीक है, 100 है कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर सेलिंग प्राइस है 126 रुपीज। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है यहाँ पर 26 रुपीज, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 100 में ही यहाँ पर 26 रुपीज, मतलब यहाँ पर 26% यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए बहुत आसान है, बहुत बार मैंने ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाया है आप लोगों को। तो देखिए, इसको शॉर्टकट तरीके से कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले x-1/x का जो वैल्यू है 6, इसका क्यूब करेंगे, 6 क्यूब करेंगे, और यहाँ पर प्लस देके, यहाँ पर अगर माइनस रहेगा, यहाँ पर अगर माइनस रहेगा, दोनों जगह पर अगर माइनस रहेगा तब यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस देके यहाँ पर क्यूब का 3×, यहाँ पर ये जो वैल्यू है 6, इसको मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है। तो यहाँ पर 6³ कितना हो जाएगा, 216 होता है, प्लस यहाँ पर 3×6=18 हो जाएगा। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो यहाँ पर 234 आ जाएगा। तो मतलब इसका आंसर हो जाएगा 234। और एक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, देखिए पहले यहाँ पर x-1/x का जो वैल्यू है 6, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तब क्या करेंगे, इसके साथ प्लस, इसके साथ यहाँ पर क्यूब का 3 को जोड़ना है, ठीक है। तो मतलब 39 हो जाएगा। अभी यहाँ पर क्या करेंगे, x-1/x का जो वैल्यू है 6, इसको यहाँ पर 39 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर 23, देखिए 234 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए, दो नंबर का एचसीएफ है यहाँ पर 8 और उन दोनों नंबर का रेशियो है 5:7। तो यहाँ पर एलसीएम क्या होगा उन दोनों नंबर्स का, वही पूछा गया है क्वेश्चन में। क्या करना है, देखिए याद रखना है, यहाँ पर नंबर्स का प्रोडक्ट्स के साथ, नंबर का प्रोडक्ट्स के साथ यहाँ पर अगर एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम मिल जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए नंबर का प्रोडक्ट कितना है, यहाँ पर नंबर का प्रोडक्ट का जो रेशियो है, नंबर का प्रोडक्ट का जो रेशियो है उन दोनों के साथ अगर एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आंसर आ जाएगा, मतलब यहाँ पर 5×7×HCF यहाँ पर 8, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम मिल जाएगा, ठीक है। 35×8 कितना होता है, 35×8 यहाँ पर हो जाएगा 280, ठीक है। तो मतलब एलसीएम हो जाएगा उन दोनों नंबर का 280, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि ए एक काम को 10 डेज में खत्म करता है और बी के सहारे से वो 6 डेज में काम को खत्म करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि बी अकेला कितना दिनों में वो काम को खत्म करेगा। देखिए क्या करना है, यहाँ पर ए अकेला जितना दिनों में ख़त्म करता है, मतलब 10 डेज में, उसके साथ यहाँ पर ए प्लस बी ये दोनों मिलके यहाँ पर 6 डेज में ख़त्म करता है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर ए अकेला कितना दिनों में करता है, 10 दिन में, इससे माइनस कर दीजिए, ए प्लस बी मिलके जितना दिनों में काम को ख़त्म करेगा, मतलब 6 डेज में, तो इसको माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए ऊपर हो जाएगा 10×6, नीचे हो जाएगा 4,
ठीक है, तो यहाँ पर काटेंगे 5, यहाँ पर काटेंगे 3, ठीक है। तो मतलब 3 × 5 इज इक्वल टू 15 डेज में यहाँ पर बी अकेला वो काम को खत्म करेगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर इसका वैल्यू पूछा गया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हम सभी जानते हैं यहाँ पर सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो देखिए यहाँ पर sec स्क्वायर 20 माइनस 10 स्क्वायर 20, इसका वैल्यू भी यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो मतलब नीचे यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर देखिए 10 स्क्वायर 60 डिग्री है, मतलब 10 स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, रूट 3, उसका स्क्वायर करना है, ठीक है। प्लस यहाँ पर कॉट स्क्वायर 30 डिग्री है, कॉट स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू भी रूट 3 होता है, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो मतलब यहाँ पर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, मतलब 6 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर और एक क्वेश्चन था सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर, प्रिंसिपल है 1000 रुपीस, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर 6% और यहाँ पर टाइम था 3 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट कितना होगा कुल मिला के वही पूछा गया है। देखिए बहुत ही आसान है, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ साल को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा, ठीक है। तो 18% हो जाएगा यहाँ पर, तो मतलब 1000 के ऊपर 18% करना है, तो 1000 का 18% कितना होता है, 180 रुपीस होता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर 180 रुपीस हो जाएगा टोटल इंटरेस्ट, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन को देखिए, प्रेजेंट में ए प्लस बी का एज का सम 80 ईयर्स है, ठीक है। 8 साल के बाद उन दोनों का एज का रेशियो हो जाएगा 17:15। तो यहाँ पर बी का प्रेजेंट एज क्या है वही पूछा गया है। देखिए 8 साल के बाद उन दोनों का एज का रेशियो कितना है, 17:15। तो 8 साल के बाद उन दोनों का एज का सम कितना हो जाएगा, यहाँ पर 17x पकड़ लेंगे ए का एज को, प्लस यहाँ पर बी का एज को 15x पकड़ लेंगे, ठीक है। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 32x, ठीक है। उन दोनों का एज का सम हो जाएगा 8 साल के बाद 32x, ठीक है। प्रेजेंट में देखिए उन दोनों का एज का सम कितना है, 80। तो प्रेजेंट में उन दोनों का एज का सम कितना हो जाएगा, यहाँ पर -8 - 8 - 8 मतलब -16 करना है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80, ठीक है। प्रेजेंट में एज हो गया दोनों के लिए, -8 - 8 दोनों के लिए, यहाँ पर 8 साल करके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब 32x माइनस 16 इक्वल टू यहाँ पर 80 हो जाएगा, देन 32x इक्वल टू 80 प्लस 16 हो जाएगा, देन x इजिकल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 96 हो जाएगा, ठीक है। तो 96 डिवाइडेड बाई 32 हो जाएगा, इजिकल टू यहाँ पर हो जाएगा 3, x का वैल्यू हो जाएगा 3। तो अभी b का एज पूछा गया है, तो देखिए 8 साल बाद यहाँ पर b का एज कितना है, 15x, ठीक है। तो 8 साल बाद b का एज कितना हो जाएगा, 15 × x मतलब 3 इजिकल टू 45 ईयर्स हो जाएगा 8 साल के बाद, ठीक है। b का एज है, ठीक है, प्रेजेंट में b का एज पूछा गया है, तो -8 कर देना है, तो यहाँ पर 37 ईयर्स हो जाएगा b का प्रेजेंट एज, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला गया है कि एक सर्टेन जर्नी का 3 भाग में से एक भाग खत्म करता है 25 किलोमीटर पर आवर इस स्पीड से, 4 भाग में से एक भाग खत्म करता है 30 किलोमीटर पर आवर इस स्पीड से, और रिमेनिंग जर्नी खत्म करता है 50 किलोमीटर पर आवर इस स्पीड से। तो यहाँ पर टोटल जर्नी का एवरेज स्पीड क्या होगा वही पूछा गया है क्वेश्चन में। देखिए एवरेज स्पीड और स्पीड इजिकल टू क्या होगा, देखिए डिस्टेंस को अगर टोटल डिस्टेंस को अगर टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर एवरेज स्पीड मिलेगा, ठीक है। इसको याद रखना है, अभी इसको याद रख के क्या करना है, टोटल डिस्टेंस चाहिए या पर टोटल टाइम चाहिए। देखिए यहाँ पर डिस्टेंस भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, यहाँ पर देखिए सिर्फ स्पीड है। तो अभी यहाँ पर क्या करेंगे, पहले यहाँ पर 1/3 जर्नी, उसके बाद 1/4 जर्नी, ठीक है, बाकी रिमेनिंग जर्नी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, ये जो 3 है और ये जो 4 है, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 12 को हम 1200 पकड़ लेंगे, ठीक है, मतलब टोटल जर्नी को हम 1200 किलोमीटर हो जो भी हो, तो 1200 किलोमीटर पकड़ लेंगे, ठीक है, 1200 किलोमीटर हम ले लेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। अभी ये पर 1200 किलोमीटर का 1/3 जर्नी खत्म किया है, तो 1200 का 1/3 कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, यह पर हो जाएगा 1/3 करेंगे तो यह पर हो जाएगा 400 मीटर, ठीक है। तो 400 किलोमीटर हो जाएगा टोटल, 1/3 फर्स्ट 400 किलोमीटर गया है कितना स्पीड से, यह पर 25 किलोमीटर पर आवर इस स्पीड से। अभी यहाँ पर हमें चाहिए टाइम, ठीक है, टाइम वन कितना हो जाएगा, देखिए टाइम वन इज इक्वल टू डिस्टेंस को अगर स्पीड से डिवाइड करेंगे तो टाइम वन मिलेगा। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, 400, ठीक है, तो लिख देंगे 400, स्पीड कितना है 25 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर काटेंगे तो यहाँ पर 16 आवर हो जाएगा, ठीक है, 16 आवर है फर्स्ट T1 जर्नी का टाइम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर T2 का टाइम कितना है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड, ठीक है, इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना होगा, T2 का डिस्टेंस है यहाँ पर देखिए 1/4 जर्नी, मतलब 1200 के ऊपर अगर 1/4 करेंगे तो यहाँ पर 300 किलोमीटर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 300 किलोमीटर गया है कितना स्पीड से, यहाँ पर 30 किलोमीटर स्पीड से, ठीक है। तो यहाँ पर काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा
10 आवर हो जाएगा, T2 का टाइम सेकंड जर्नी का टाइम हो जाएगा 10 आवर्स, ठीक है समझ में आ रहा है। उसके बाद थर्ड जर्नी और रिमेनिंग जर्नी तो 700 हो जाएगा, 700 टोटल था यहाँ पर 1200, तो 1200 से 700 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 500 किलोमीटर रिमेनिंग रहेगा। ये रिमेनिंग डिस्टेंस यहाँ पर 50 किलोमीटर पर आवर इस स्पीड से जर्नी किया है, तो यहाँ पर T3 का टाइम कितना हो जाएगा, यहाँ पर 500 को हम यहाँ पर 50 किलोमीटर पर आवर से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10 आवर्स, ठीक है। टोटल कितना टाइम बना, देखिए 10 + 10 = 20 + 16 = 36 आवर, ठीक है। 36 आवर से यहाँ पर टोटल टाइम, अभी यहाँ पर एवरेज स्पीड पूछा गया है, मतलब डिस्टेंस को अगर टाइम से डिवाइड करेंगे तो स्पीड मिलेगा, डिस्टेंस कितना है 1200 किलोमीटर, ठीक है। टाइम कितना है 36 आवर्स, अब इसको काटेंगे 6 से काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 200 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6, फिर से यहाँ पर काटेंगे 100 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3, ठीक है। 100 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 33.33 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इस वीडियो में किसी भी क्वेश्चन को अगर समझने में कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बताइए, मैं कोशिश करूंगा उस क्वेश्चन को आपको फिर से समझने का, ठीक है। वीडियो को अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, नेक्स्ट टाइम इस टाइप का और भी वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।